सही। तो आज का टॉपिक क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एट क्रिएटिव। क्या एट क्रिएटिव? एट क्रिएटिव क्या क्या होता है? सही। आज मेनली जो चीज हम कवर करने जा रहे हैं भाई, हमारा जो एड बनेगा वो कैसा कैसे बनाएंगे, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और सीरियसली दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, मैंने ये कहा ई कॉमर्स में कामयाब होने के लिए दो मेन चीजें इस टाइम पर, और दोनों चीजों में से पहली चीज प्रोडक्ट एंड सेकंड चीज। एंड सीरियसली प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। ठीक है, एट क्रिएटिव में एक खास चीज है, इसकी इंपॉर्टेंस से एक खास चीज है। प्रोडक्ट ना बहुत सारे लोग पहुंच सकते हैं आसानी से, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग अच्छी प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, एक धंधे वाला बंदा ऑलरेडी उसके पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, वो अच्छी प्रोडक्ट तक इजिली नहीं पहुंच सकता, वो इजिली पहुंच सकता है, राइट? उसके पास बहुत सारे अच्छे हो जाएंगे, लेकिन एट क्रिएटिव इज समथिंग सीरियसली हर कोई नहीं बना सकता। और सीरियस बात बता रहा हूं, जितने भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इजीली ऑनलाइन कामयाब हो जाते हैं ना, उनकी अगर आप जर्नी को देखोगे ना, वो एड क्रिएटिव बनाने में अच्छे होते हैं। आप इसको मतलब एनालाइज करना, कोई भी बंदा ऑनलाइन की दुनिया में बहुत जल्दी कामयाब हो गया, आप देखोगे उसके पास कंटेंट बनाने की पावर बहुत स्ट्रांग होगी, वो कैमरा फेसिंग बहुत अच्छा होगा, या तो वो अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो स्पेसिफिक नीच के ऊपर काम कर, कोर्स बेच रहे हैं, उनका कोर्स बिक रहा है, कमा रहे हैं भाई, लेकिन आप देखोगे उनके कम से कम ये खासियत है कि वो कंटेंट बना रहे हैं अपनी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए, वो एड्स बहुत प्रॉपरली कंसाइज वे में बना रहे हैं, ये हर कोई नहीं बना सकता। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक स्किल है, बहुत सारे धंधे वाले लोग बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक है, वो एड क्रिएटिव अगर अच्छा आपको बनाने आ गया ना, आधी जर्नी वैसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, आधी जर्नी है, पूरी आधी जर्नी इस टॉपिक के अंदर है एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव होता क्या है? आपका एक प्रोडक्ट या आपकी सर्विस है, आप उसको कस्टमर को बेचने जा रहे हो, तो कस्टमर के जहन में किस तरह डालना है, ठीक है, कस्टमर के सामने हाईलाइट किस तरह होना है कि कस्टमर आपकी सर्विस लेने के लिए रेडी हो जाए, आपका प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, लेकिन ना एक मेन चीज है प्रोडक्ट और एड क्रिएटिव, ये दोनों में ही एक मेन चीज है, टाइम टू टाइम ना ये चेंज होता है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आज से 5 साल 7 साल पहले कोई चीज मैंने पढ़ी थी एड क्रिएटिव बनाने का तरीका आज भी वही चलेगा, नहीं, बहुत तेजी से चीजें चेंज होती हैं। 1970 के अंदर तिब्बत पाउडर कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट कैसी आती थी? कोका कोला पीते हुए आ भाई बोलते थे कि ये लो, ये कोका कोला है, बहुत ठंडी है, अच्छी है, पीने में मजा आता है, बस ये एडवर्टाइजमेंट होती थी। आप भी क्या लेना चाहेंगे? बस नाउ कोका कोला किस स्टेप से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट, कभी फैमिली के साथ जोड़ रहा है उस कोका कोला को, कभी रमजान के साथ जोड़ रहा है, कभी किस चीज के साथ जोड़ रहा है, इमोशंस के साथ जोड़ के बेच रहा है। कभी कभार तो कुछ बोलता ही नहीं है, सिर्फ एक्शंस दिखाता है और उसके थ्रू बेचने की कोशिश कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, पहले लोग मतलब टाइम टू टाइम लोग समझदार हो रहे हैं, पहले लोगों को कोई आकर टीवी पे से बोल देता था ना ये चीज अच्छी है, लोग समझते थे ये चीज अच्छी है, ये वाली क्रीम 22 31 90 तो बहुत फायदा देगी, लोग खरीदने के लिए रेडी। नाउ द वर्ल्ड चेंज, इतनी एडवर्टाइजमेंट्स लोग देख रहे हैं, इतनी एडवर्टाइजमेंट्स लोग देख रहे हैं, अगर कहीं ऐसे ही कोई बहुत ही अच्छी भी एड बनी हो ना, लेकिन बंदे को दिख रहा होता है ना ये एडवर्टाइजमेंट है, या फील आता है ये एडवर्टाइजमेंट है, तो बंदे का ऐसे ही आधा बिलीफ खत्म होता है, यार ये तो अपनी चीज बेचेंगे ही ना। टाइम टू टाइम ह्यूमन साइकी स्ट्रांग होती जा रही है, और एक वक्त ये आ गया है, मतलब इस दौर को हम लोग कहते हैं
कि यार बाप बेटे को परसुएट कर रहा है और बेटा बाप को परसुएट कर रहा है हर तरीके से, मतलब स्ट्रॉन्ग साइकीज होती जा रही है ह्यूमंस की। हमने इसके बावजूद फिर भी कस्टमर को कन्विंस करना है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है आपके लिए। इसके लिए अब एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बताऊंगा, लेकिन एड क्रिएटिव इज अबाउट टू थिंग्स, सही है। जब भी हम एडवर्टाइजमेंट बनाने जा रहे हैं तो वो दो चीजों से रिलेटेड है। एक है उसका कंटेंट वाला पार्ट, कि उसका कंटेंट क्या है, ठीक है, और सेकंड है उसके प्रेजेंटेशन, या इसको दूसरी वीडियो और इमेज। अच्छा, एक है पार्ट कंटेंट का, और दूसरा पार्ट कौन सा है, प्रेजेंटेशन का। अच्छा, एक चीज हम ये पढ़ेंगे यार, वीडियो के स्टार्ट में क्या होना चाहिए, वीडियो के एंड में क्या होना चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए, ये सब चीजें। दूसरी चीज हम ये पढ़ेंगे कि उसको शूट किस तरह होना चाहिए, लाइटिंग कैसे होनी चाहिए, वीडियो कौन सी चल रही होनी चाहिए, समझ आई। ये दोनों अलग अलग चीजें और दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। टू बी ऑनेस्ट, अच्छा मार्केटर ढूंढने जाओगे ना, मार्केटर बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको लाख रुपए की सर्विस में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा एड क्रिएटिव बनाने की कंपनी की तरफ जाओगे ना, एक एडवर्टाइजमेंट के नॉर्मल रेट बता रहा हूं 2-2 लाख रुपए ले रहे होते हैं, एक 30 सेकंड की वीडियो के, ये मैं नॉर्मल बता रहा हूं, बहुत हाई रेट नहीं बता रहा। वीडियो एड क्रिएटिव बनाने के बहुत ज्यादा पैसे होते हैं एज कंपेयर्ड मार्केटिंग करने के, मार्केटर्स बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, और लेकिन वीडियो एड बनाना इज कंप्लीट अलग, आप डिग्री होनी चाहिए इसके लिए, ये इतनी बड़ी फील्ड है, ठीक है। लेकिन एक बात कहूं, हमारे पास वीडियो एड बनाने में इतना कंपटीशन नहीं है, मतलब हमें तो इतना स्ट्रांग होना है ना जितना हमारा कंपटीशन स्ट्रांग है। हमारे कंपटीशन को कुछ भी नहीं आता, हम उनसे बेटर बना लेंगे अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा उसको अच्छे से स्टडी कर लें, ठीक है। पूरी जिंदगी आपने काम क्या करना है, अच्छा प्रोडक्ट, अगर आप वेबसाइट के ऊपर सेल्स लाना चाह रहे हो सीरियसली, फिर तो कॉन्टेंट, ये एड और प्रोडक्ट ही चाहिए, और चीजें तो ऑटोमेशन में चल रही होंगी, प्रोडक्ट भी मिल जाएगा एक टाइम के बाद, प्रोडक्ट इतना बड़ा मसला नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट हर वक्त की खप है, एडवर्टाइजमेंट अच्छी बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्रिटिकल पार्ट है, आज तक क्रिटिकल पार्ट है थोड़ा सा। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट टाइम टू टाइम चेंज भी होता है, ये बिल्कुल एक अलग ही साइकी है, मतलब ह्यूमंस को कन्विंस करना। पहले होता था कोई हाई डेफिनेशन में आकर कोई बंदा कोई मंजन बेच के चला जाता था, लोग यकीन कर लेते थे, लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, जितना लोकल फील होता है ना उतना ज्यादा रियलिस्टिक लोग उसे पसंद करते हैं और लोग ग्रैब कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम मार्केट चेंज होती रहेगी, लोगों को कन्विंस करने का तरीका रोज अलग होगा, ठीक है। हम लोग स्टडी करेंगे अभी के लिए, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि कुछ चीजें जनरल हैं। कुछ चीजें क्या जनरल हैं, वो हम लोग आगे स्टडी करते हैं। एडवर्टाइजमेंट बनाने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की, फर्स्ट वी विल डिस्कस मोर अबाउट कंटेंट, सही है, देन वी विल गो फॉर वीडियो एंड इमेज। इसको हम लिटिल बिट ही छेड़ेंगे, ज्यादा इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडियोज हैं पाकिस्तान में, सही है, आप उनसे बात करो 50,000 में बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, वो इसमें बहुत स्ट्रांग होते हैं प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में, लेकिन इसमें वो कुछ भी नहीं होते, हालांकि मेन पार्ट कंटेंट का है। और कंटेंट इज नॉट अबाउट के वो फ्रीलांस पे कोई लड़की घर में बैठे कंटेंट बना रही है, आप उसे बोलोगे ये मेरा काम अच्छा कर देगी, नहीं यार, इट्स साइकी इज डिफरेंट, उसको कंप्लीट उसका एक्सपीरियंस अलग हो। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सिंपल सिंप्लीफाई करने की तरफ लेके जाते हैं। पहले तो एडवर्टाइजमेंट जब बनाने जा रहे ना, तो एड ऑलवेज
शुड बी सिंपल इन एवरी वे। आपकी जो एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, वो पिक्चर एड हो, वीडियो एड हो, वो सिंपल होनी चाहिए हर तरह से। हर तरह से क्या, आप उसके अंदर जो अल्फाज यूज कर रहे हो वो सिंपल होने चाहिए। वो इतने मुश्किल अल्फाज ना हो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट लाख लोग देख रहे हैं, 60% ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा, यानी 60,000 लोगों को समझ ही नहीं आया, आपने इतने मुश्किल इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए हैं उसके अंदर। सही, आपने टेक्स्ट फॉन्ट जो यूज किया हुआ है वीडियो के अंदर वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लाइक के कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, टेक्स्ट का स्टाइल। हाँ, मतलब इस टाइप से आपने कुछ यूज किया हुआ है और आप बोलोगे कस्टमर को समझ आ रहा है, तो ऑफ कोर्स कस्टमर को समझ नहीं आएगा। कस्टमर को क्या कहना समझ आएगा, सिंपल फॉन्ट। ये भी नहीं है सिंपल फॉन्ट, बाय द वे फॉन्ट शुड बी लाइक सैंस सेरिफ। ये ना जैसे न्यू लिखा हुआ है, ये फॉन्ट की टाइप है, बिल्कुल सिंपल रीडेबल, बहुत ज्यादा रीडेबल हो, ठीक है। और क्या नाम है, आप जो स्टोरी डिफाइन कर रहे हो, आपका कंटेंट हो, वो भी सिंपल हो। मतलब आप ऐसा ना हो कि एडवर्टाइजमेंट में आप जोक मार रहे हो और जोक किसी को समझ नहीं आ रहा। बात समझ आ रही है, ये बेसिक रूल है, हर तरह से सिंपल। दूसरा एक मेन चीज है, अब मुझे इसकी स्पेलिंग, हाँ सही है। अच्छा, टिकटॉक के ऑनर से किसी ने पूछा था, किसी ने ये बताया व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, ये किसने देखा हुआ है। अच्छा, एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, 3-4 लोगों ने देखा हुआ है, एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, एक लड़का है, कोई बुगाटी में जा रहा होता है, उसको पकड़ता है, उसे बोलता है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, फिर कोई बोलता है मैं रियल इस्टेट का ये हूँ, कोई क्या हूँ, कोई भी नहीं बोलता मैं गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा हूँ। एक मरतबा इस तरह का हादसा हुआ था कि शायद लंदन में या कहीं कनाडा में एक गाड़ी कोई फरारी टाइप की थी, उसको रोका, उससे पूछा व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, उसने कहा आई एम रिटायर्ड पुलिस गर्ल, पता नहीं क्या, और वो पाकिस्तानी पुलिस मैन थी जो भी। तो ये है कि आज तक, अच्छा वो यूट्यूब चैनल क्या है, इट्स ऑल अबाउट के वो पूछता है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, एंड एवरी टाइम पीपल टॉक अबाउट स्किल्स, एंड हाँ बंदा पूछ लेता है, भाग जाओ नहीं छुप जाओ पहले। अच्छा, एवरी टाइम पीपल टॉक अबाउट स्किल्स, बिजनेसेस, रियल इस्टेट, सही। एक मत तो ये बंदा मिला व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, और अंदर गाड़ी में था टिकटॉक का सीईओ, सही। तो वो थोड़ा सा तारीफ वगैरह करते हैं, बात कंटिन्यू करते हैं। तो ये बंदा डायरेक्ट बोलता है कि टिकटॉक पे कामयाब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो टिकटॉक के उन्होंने स्पेसिफिक ये बात कही थी कि यार मिलेनियल पॉज नहीं होना चाहिए आपकी वीडियो में। ये उसने टिकटॉक की भी कामयाबी का राज है, और टिकटॉक पे कोई कंटेंट क्रिएटर है उसकी भी कामयाबी का राज है कि वीडियोस के अंदर, टिकटॉक की वीडियोस के अंदर मिलेनियल पॉज नहीं होता। मिलेनियल पॉज क्या होता है, सही है, ये तो उसको खत्म करने की टैक्टिक है। मिलेनियल पॉज क्या होता है, एवरीथिंग विच बोर अ कस्टमर फॉर अ सेकेंड। एक व्यूअर है, देख रहा है वीडियो, और आप वो किसी भी पॉइंट पर बोर हो रहा है ना, तो ये मिलेनियल पॉज है। अच्छा, वो किस पॉइंट पर बोर हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल उसको पीछे जो म्यूजिक है वीडियो के पीछे वो बहुत बोरिंग लग रहा है, ये मिलेनियल पॉज का पार्ट है। आप बात कर रहे हो बीच में, अच्छा मेरी बात सुने, तो ये जो आ रहा है ये मिलेनियल पॉज है, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप एक स्क्रीन पे स्टक हो गए हो, आप वीडियो बना रहे हो, बनाते बनाते यहाँ पे स्टक हो गए हो,
ये उसके लिए मिनिमल पॉज है, इनको खत्म किस तरह करना है वो हम उसको, मतलब कोई भी चीज जो कस्टमर को व्यूअर को बोर करने लग जाए वीडियो के अंदर, तो क्या है मिलेनियल पॉज, इसको खत्म करना है। अब न्यू आप जितने भी शॉर्ट्स के ऊपर टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देखोगे ना, हर वो खिलती रहेंगी, स्क्रीन चेंजेस होती रहेंगी, और वो मार्वल का म्यूजिक लगाया हुआ होगा, राइट, फुल एंगेजिंग, और थोड़ा सा कहीं भी स्टोरी को बीच में मतलब बोरिंग नहीं होने देते लगातार। इवन समटाइम आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देख रहे होगे, आपको मजा भी नहीं आ रहा होगा, आप थके भी होगे, लेकिन आप इतने एंगेज हुए होते हो सेकंड बाय सेकंड के आप छोड़ ही नहीं पा रहे होते। और एक और चीज, टिकटॉक का स्क्रॉल कभी खत्म नहीं होता, पहले यूट्यूब में एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे शिफ्ट होते थे तो वो टाइम लगता था, वो भी खत्म कर दिया उसने, पहली वीडियो ही लोड हुई हुई होती है। अच्छा, टिकटॉक ने अपना मिलेनियल पॉज खत्म किया, बाय द वे हमने एडवर्टाइजमेंट के ना मिलेनियल पॉज नहीं आने देना, ऐसा ना हो कि आप बोरिंग सा एक जगह बैठ के बात कर रहे हो, नहीं, आपके आसपास चीजें हिल रही हो, पीछे म्यूजिक ऐसा चल रहा हो कि जो एंगेज कर रहा हो कस्टमर को, वो मोस्ट रिलेवेंट म्यूजिक हो, ठीक है, तो मिलेनियल पॉज नहीं होना चाहिए। ये बेसिक रूल है, ठीक है, ये कहीं भी आप कॉन्टेंट बना रहे हो, ये बेसिक रूल है, चीजें सिंपल होनी चाहिए, स्टोरी वगैरह हर चीज, मिलेनियल पॉज नहीं होना चाहिए। अच्छा, थर्ड चीज, हमेशा कस्टमर या व्यूअर को वो चीज अच्छी लगती है जो थोड़ी सी रिलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर रहे हो पंखे को, और आप मसले बता रहे हो अमीरों के, और दिखा रहे हो वीडियो, वीडियो देख रहा है गरीब, आप उसको मसले बता रहे हो कि यार क्या आपके पास भी यह मसला आता है कि पंखा क्या नाम है, अमीरों का क्या मसला है आ सकता है पंखे में, हाँ, उठ के बंद बंद करने में और उठ के ऑन करने में मसला आता है, तो आप ये बटन बटन लगा लो। अमीर गरीब का बच्चा कहेगा चलता ही नहीं है, लाइट ही नहीं होती, सही, रिलेवेंट हो, मतलब जितनी रिलेवेंट स्टोरी हो उतना ज्यादा अच्छा, मतलब जितना रिलेवेंट हो, मतलब कोशिश करोगे अगर फॉर एग्जाम्पल गरीब को प्रोडक्ट बेच रहे हो तो गरीब की, गरीब को लेकर आओ वही दिखाए, छिछोरे को प्रोडक्ट बेच रहे हो ना तो छिछोरे को लेकर आओ और वही स्टोरी सुनाकर वो प्रोडक्ट बेच रहा हो, जितना ज्यादा रिलेवेंट हो उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब आप बहुत सॉफ्ट मतलब अच्छी सी ड्रेसिंग में आकर छिछोरों वाली प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसे मजा नहीं आएगा, छिछोरा आगा छिछोरा वाली प्रोडक्ट बेचे, और कोई छिछोरा आकर बहुत अच्छी सी प्रोडक्ट बेच रहा होगा तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा बंदा आ गया, रिलेवेंट हो सही हर तरह से, ठीक है। फिर स्टोरी मूड, आपकी जितनी भी वो हो ना, इससे पहले मैं एक और कर देता हूं, इसको क्या कहेंगे, मतलब वीडियो ऐसी हो, बाजू का इतना होता क्या है, आप स्क्रॉल कर रहे होते हो टिकटॉक पर या रील्स के ऊपर, या आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस होगा, नॉर्मल वीडियो आपको नॉर्मल वीडियो दिखेगी, लेकिन जो एड वाली होगी ना, उसके 3 सेकंड देखकर आपको समझ आएगी यार ये एडवर्टाइजमेंट है, आप नीचे देखोगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा, ऐसा होता है, इज दैट रियल या नहीं होता, ऐसा एक्सपीरियंस होता है, होता है आपको जो एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियो है वो वैसे ही 3 सेकंड तक देख के आपको समझ आई यार ये एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियो, और जब आपको ये पता चल जाए ना यार ये स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट है, तो आपका ट्रस्ट कम हो जाता है, एक कस्टमर का ट्रस्ट कम हो जाता है उस वीडियो के ऊपर। ट्राई कि किसी भी तरह वो वीडियो एडवर्टाइजमेंट ना लगे, कम से कम एडवर्टाइजमेंट लगे, अगर वो इस तरह की वीडियो है ना कि आपका कोई मतलब कोई बंदा है कस्टमर है, वो आके अपना फन जोन में स्टोरी बता रहा है और फिर प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, तो आपको वो कस्टमर ज्यादा एंगेज होगा, राइट, एज कंपेयर्ड के स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट लग रही है। किसी भी तरह आपकी एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं लगनी चाहिए, उसके लिए बेस्ट वे क्या है कि स्टोरी लाइक फील होना चाहिए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल सिंपल अगर आप बोल रहे हो
यार चाय ठंडी ना हो गई हो। सिंपल लाइक आप आके बोल रहे हो कि बेस्ट ईयरबड्स हैं, कहाँ गए मेरे बेस्ट ईयरबड्स हैं और इस कम प्राइस में इसके अंदर ये बेनिफिट्स हैं, आपको भी लेने चाहिए, या इसके मुताबिक इसके मुकाबले में ये बोल रहा हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पूरा दिन कॉल से बात कर रहे में थक जाता हूँ, पक जाता हूँ, मुझे ऐसे एयरबड्स की ज़रूरत थी ताकि मेरा हाथ थके ना और लोग मुझे हर वक्त बिजी ना समझें, ठीक है। एंड देन मैं आऊं कि मुझे ये रोनिन के फजूल से एयरबड्स मिले, सही, एएनसी के नाम पे ये डब्बा है, ठीक है, और देन मैं थोड़े से फीचर्स बता के इसको प्रोडक्ट को बेचूं कि मुझे अपने लिहाज से, मेरे यूज के लिहाज से ये परफेक्ट लगे, ठीक है, ऐसा मैं बता। अच्छा, इसका ईएनसी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब लाइक के शोर में हर जगह मुझे बात करने में बहुत आसानी होती है, बाइक पर हूँ, कार में हूँ, रोड पर हूँ, कॉल पर कोई इशू नहीं आता, ठीक है, तो मेरे लिए ये बेस्ट है। इसकी प्राइस रेंज है फॉर एग्जांपल 10,000। ये एडवर्टाइजमेंट बेस्ट है, पता है क्यों? 10,000 कोई नॉर्मल बंदा तो एयरबड लेगा ही नहीं, बिजनेसमैन वाले जितने जो बहुत स्ट्रांग बिजनेसमैन होंगे उनके साथ ये मसला है, स्पेसिफिक सेम मसला, उनको रिलेवेंट लगेगा, हाँ यार पूरा दिन कॉल्स करते रहते हैं, तंग आ जाते हैं, और एक माइक शोर में भी बाइक पे भी आवाज नहीं जाती। जितना ज्यादा रियल स्टोरी, रियल टेस्टिमोनियल लगेगा ना, और देन प्रोडक्ट डिफाइन की जाएगी, उतना ज्यादा कस्टमर को एड नहीं लगेगी, सही है, वो खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा। हमें कन्विंस करना है ना, मैं आगे डायरेक्ट बोल रहा हूं 10,000 रुपए के ईयरबड्स, एक मैं स्टोरी बता के बोल रहा हूं, ठीक है। ट्राई के लोगों के इमोशंस के साथ प्ले किया जाए, ये हरकतें जो आप पूरी जिंदगी करते हुए आए आप अपने कस्टमर्स के साथ करें, ठीक, लोगों के इमोशंस को इंगेज किया जाए, सीरियसली समटाइम चीजें इमोशंस को इंगेज करते हुए बहुत अच्छे से बिक जाती है। इमोशंस क्या, फॉर एग्जांपल आप एक डोर बेल बेच रहे हो, वो क्या नाम है, कैमरा वाला डोर, क्या कहेंगे, सिक्योरिटी कोई कैमरा है, सही है, और उसके ऊपर कोई ऐप वैप का सिस्टम है, आप डायरेक्टली ये प्रेजेंट कर रहे हो, यार हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको अपने दरवाजे पे इंस्टॉल करो और इसका कैमरा ऑन हो जाता है और सिक्योरिटी में हेल्प आउट करता है, इस तरह अच्छा नहीं बिकेगा। ट्राई टू इंगेज विद इमोशंस, लाइक एक औरत बैठी हुई है कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और मेरे घर में मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनसे मैं बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे इनकी हमेशा फिक्र लगी रहती है, और आजकल पाकिस्तान के हालात देखते हुए मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं इनको खो ना दूँ। अच्छा, साथ इमोशंस वाला एक सीन जुड़ा हुआ है कि बच्चों को किसी ने किडनैप कर दिया। देन आई रियलाइज एंड आई फाउंड दिस प्रोडक्ट जिसको मैंने अपने घर में इंस्टॉल किया, अब मैं काम पे भी काफ़ी सिक्योर फील करती हूँ, लेटेस्ट अपडेट मेरे पास 24 आवर्स आ रही होती है, मैं बच्चों को हर वक्त मॉनिटर कर सकती हूँ और इसकी वजह से मैं अपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाती हूँ। और अभी मैं इससे इतनी सेटिस्फाइड हूँ, अभी इनकी सेल लगी हुई, आप जाएं सेल का फ़ायदा उठाएं, ठीक है, बेस्ट बेस्ट हो गया। इंगेज विद इमोशंस, इमोशंस लाइक के मतलब एक जगह मैंने पढ़ा था कि हमारा डिस्काउंट चल रहा है, हम रिश्ता करवाते हैं, कोई रिश्ता करवाने वाली एजेंसी थी, रिश्ता करवा रही है, और दूसरा वो क्या नाम है,
लाइक के डिस्काउंट भी उन्होंने लगाया हुआ और आगे डील भी लिखी हुई, सीरियसली डील लिखी हुई थी कि पता नहीं इतने हजार रुपए में इतनी रिक्वेस्ट, सही, इसके मुकाबले आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो कि इस्लाम में हमें, ठीक है, निकाह एक पसंदीदा चीज है, ठीक है, एंड देन उसके बाद ये है कि लेकिन आप हमेशा ये एक वो सौदा है जिंदगी का जिसमें आपको डर लगा रहता है कि एक फैसला, एक गलत फैसला पूरी जिंदगी उजाड़ सकता है, ठीक है, इमोशंस को जोड़ो ज्यादा। मैं भी अपनी बेटी के रिश्ते से रिलेटेड बहुत परेशान थी कि ये कोई सब्जी का सौदा नहीं कि उठते बैठते कर लिया जाए, एंड देन गो फॉर कि मैंने इस एजेंसी पे ट्रस्ट किया, दैट वाज अमेजिंग, इन्होंने, इनका जो प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग है, ये लोग मॉनिटर करते हैं, ये लोग मतलब लाइक सारे सिस्टम वगैरह को देखते हैं, और इन्होंने अब तक 10,000 से ज़्यादा कामयाब शादियां करवाई हैं, ठीक है, और माशाल्लाह, मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, ठीक है, एंड मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी इसको लाजमी ट्राई करें, दैट्स द थिंग, ठीक है, डील्स वील्स दे रहे हैं 1,000 रुपये में 500 रिक्वेस्ट, मतलब क्या चल रही है ये, चलो ये वाला इतना अच्छा नहीं है, मेरा इसमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ आओ, तो जितनी भी एड्स बताए लड़कियों, प्रोडक्ट, मर्द गरीब होते हैं, खरीदते क्या है, ठीक है, अच्छा, मतलब मेन चीज क्या है, स्टोरी टेलिंग, इमोशंस एड नहीं लगनी चाहिए, रिलेवेंट लगे, मतलब स्टोरी रिलेवेंट लगे, हाँ यार अपनी अपनी जगह आके कोई बात कर रहा है, ठीक है, बोरिंग फील ना हो, ठीक है, जितना ज्यादा एंगेजिंग हो ना उतना ज्यादा अच्छा है, और सिंपल हो, ऐसा कोई लॉन्ग वे, कोई इतना हार्ड जोक ना हो या हार्ड स्टोरी ना हो कि किसी को समझ नहीं आए, आधे लोग कंफ्यूज हो हुआ क्या था बीच में, सही, एंड बस एक चीज सिंपल वे में तो ये चीजें, देन कौन सी एड चल जाए, अच्छा ये सब चीजें हम लोग अपनी तरफ से ट्राई मारते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट में हमने बहुत रिसर्च की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या चीज चलेगी हम नहीं जानते, 5% एफर्ट्स हमारे हाथ में, आगे दुनिया में क्या चलेगा हम नहीं जानते, स्टेट्स हम नहीं जानते, इसके बाद आपने रूल इज, बेस्ट रूल इज 10 एड्स बनानी है, एक लाजमी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, उसमें पिक्चर एड हो, वीडियो एड हो, सब मैटर करता है, सब चलाओ, लेकिन ये चीज समझ आई या नहीं आई, यस, मैं अभी कोई, मुझे पता है ये कंटेंट बहुत ज्यादा है, अभी ये आप लोगों के दिमाग पे ओवरलोड हो गया, हाँ यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसको हम थोड़ा सिंपल करते, लेकिन बेस्ट रूल क्या है, अप्लाई करना शुरू करो, पहले दिन बेस्ट एड नहीं बनेगा, एड्स बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, और उसके बाद 10 एड्स के बाद एक कामयाब होगी, ज्यादा एड्स को ट्राई करो, परफेक्ट एड की तरफ मत जाना, बहुत सारी एड्स की तरफ जाना, एक परफेक्ट एड मिल जाएगी, ठीक है, ये चीज समझ आई, इसमें कोई इशू, एक मैं इसमें स्टोरी भी शेयर कर देता हूं, क्या बता रहा हूं, अभी हम कंटेंट वाले पार्ट पे ना, अभी हम कंटेंट को ज्यादा डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है, अच्छा एक है NFL का नाम सुना है किसी ने, NFL का किसने नाम सुना है, ये अमेरिका के अंदर गेम होता है, ये फुटबॉल कहते हैं लेकिन इसको हाथ में पकड़ के लेके भागते हैं, हाँ आवाज नहीं आ रही, गेम का नाम है, अच्छा मुझे नहीं पता है, नॉर्मली इसे मैंने फुटबॉल सुना है बाय द वे, अच्छा इस गेम का एक मेन चीज पता है क्या, ये अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, ये फीफा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, बहुत ज्यादा, इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत महंगी होती है, मतलब इसके अंदर जो ब्रांड्स आते हैं ना वो बहुत ज्यादा पे करते हैं, क्योंकि एक तो अमेरिकन ऑडियंस ज्यादा पे करने वाली है, डॉलर है,
सही है, कंपटीशन वहाँ हाई होता है, अमेरिका की अपनी आबादी काफी ज्यादा है ठीक है, और सारे अच्छा पे करने वाले हैं, तो कंपटीशन वहाँ पे बहुत हाई होता है और अमेरिकन लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। ये अमेरिका का आईपीएल है लेकिन आईपीएल से बहुत बड़ा है ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक बंदे ने अपनी स्लॉट ले ली, अच्छा इसके अंदर कोई कंपनी आके स्लॉट ले लेती है ना एडवर्टाइजमेंट की, तो ये सब बहुत बड़ी चीज समझा जाता है कि ओ उसने इस एनएफएल में आकर अपनी एडवर्टाइजमेंट की स्लॉट ले ली, यही बहुत बड़ी बात होती है। और उस ये वो बंदा है, इसने कोई कंपनी खरीदी और जो भी है, कैनी वेस्ट, ये कोई इन्फ्लुएंसर टाइप का बंदा है, क्या कहेंगे सेलिब्रिटी टाइप का बंदा है, उसने अपना बहुत सारा पैसा लगाकर एनएफएल में एडवर्टाइजमेंट का स्लॉट ले लिया एंड देन इसने एडवर्टाइजमेंट की। मैं ना वो एडवर्टाइजमेंट टिकटॉक नहीं चल रहा, चलो यार यूट्यूब पे देखो, आवाज नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही, देख लो इसका, इसकी आवाज तो बंद नहीं है। माइक ये रिमोट से एक मतलब चेक कर लेना, बाय द वे टाइम जाया हो रहा है छोड़ो। अच्छा इसके कैप्शंस भी नहीं आ रहे, हाँ आ रहे आ रहे आ रहे, इसने कहा भाई ये हमारा कमर्शियल है, हमने सारा पैसा जला दिया है कमर्शियल स्पॉट पे, यानी वो जगह लेने के लिए, तो हमारे पास पैसे नहीं बचे कमर्शियल बनाने के लिए, तो जो आइडिया है वो क्या है कि easy.com पे जाएं और yeezy.com सही, और मैं बॉटम ऑफ द स्क्रीन में लिख दूंगा ये ठीक है, और मैं शूज बेचते हैं हम बस, इसने ये एडवर्टाइजमेंट बनाई और NFL में लगा दी भाई, जहाँ पे एक प्रीमियम जगह पर एक स्पॉट लेना ही बड़ी बात है, एडवर्टाइजमेंट स्लॉट लेना ही बड़ी बात है, वहां पे उसने स्लॉट ली और ये एडवर्टाइजमेंट लगाई, वायरल हो गई, इतनी हाई लेवल पे वायरल हो गई, क्रैश हो गया सब बिक गया। तो चाहे एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में क्या चलेगा, वी कांट जज, सही, न्यू क्रिएटिव आइडियाज रोज आएंगे, सिंपल सिंपल वे में हमने बता दिया, लेकिन इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, रोज एक नया फार्मूला। यू फोन के एड्स याद है, हाँ कितने हाई लेवल पे एंगेजिंग होते थे, हालांकि उनकी ऑफर एक काम की नहीं होती थी, लेकिन ये है कि एड्स, तो ये बेसिक चीजें जितने ज्यादा यूज करोगे सीरियसली रिजल्ट आएगा। एक बनाऊं, मैंने कंटेंट वाइज बहुत सारी बना दी है आई थिंक अब तक, ये कंटेंट वाइज है अभी, फिर वीडियोग्राफी वाइज लेके चलेंगे, कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा कंटेंट मुश्किल है, वीडियोग्राफी आसान है, या लाजमी याद रखो आप लोगों के, वो कैसे है वो मैं बताता हूँ। अच्छा अब मैं थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, लाइक के आपकी एक वीडियो है सही, ये वीडियो की पूरी लेंथ है, वीडियो ज्यादा आपकी 20 सेकंड से 1 मिनट
या 60 सेकेंड्स, कोशिश करो इससे ज़्यादा ना हो, जितनी छोटी कैन साइज हो उतनी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वीडियो के स्टार्ट में आपने क्या करना है, वीडियो के स्टार्ट में क्या होगा, इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो इट्स अबाउट क्या होगा, क्या होगा हुक, क्या होता है बताओ, हुक क्या होता है, हुक होता है कोई भी ऐसी चीज जो कस्टमर को हुक कर दे, स्टार्ट में रोक दे। लोगों के पास बहुत आसान हल होता है, जहां वो बोर होने लगते हैं वो ऐसे स्वाइप मार देते हैं अगली वीडियो पर, ऑफ कोर्स सही, वो बहुत तेजी से वो बस लोग हाथ ऊपर कर रहे होते हैं, ऊपर कर रहे होते हैं, उनको वायरल कंटेंट हुक करने वाली कोई चीज होती है। तो हुक करने वाली चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, टाइम टू टाइम हुक स्ट्रांग करना पड़ता है। हुक कोई भी ऐसी चीज जो स्टार्ट में बंदे को फोर्स करे कि वो आगे वीडियो देखे, ठीक है, हुक कर दे, बंसुआ मार के रोक ले, ठीक है, दैट्स अ हुक। और हुक कैसा होता है आज मैं आपको बता रहा हूं, 10 मिनट में 10 मिलियन कैसे कमा सकते हैं, दैट्स द हुक। बंदा रुक गया 10 मिनट, आई एम गोइंग टू बी मिलियनर, अजान हो जाए,